और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं राजधानी भोपाल का, जहां इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और तमाम बीजेपी के बड़े नेता मंच पर मौजूद हैं। भोपाल से तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां संस्कार धामी जबलपुर के बाद अब भोपाल पहुंचे हैं मंत्री जी डॉक्टर नितिन गडकरी से कि वे दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। साथ ही आग्रह करना चाहेंगे हम माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी से, माननीय श्री राकेश सिंह जी से, माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी से, माननीय श्री विश्वास सारंग जी से, माननीय श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी से, माननीय कृष्णा गौर जी से, माननीय नारायण सिंह पवार जी से, माननीय श्री लखन पटेल जी से, माननीय श्री दिलीप अहिरवार जी से, सामान्य अतिथिगणों से कि इस वे शुभ अवसर पर बड़ी रूपी दीप को प्रज्वलित कर आज के लगभग 8000 करोड़ की लागत से 15 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास करने के लिए पधारे माननीय नितिन गडकरी जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं झीलों की नगरी भोपाल में। सड़क परियोजनाओं से प्रदेश में आधारभूत ढांचों की तस्वीर बदलेगी, सड़क तंत्र को मजबूती प्राप्त होगी, औद्योग विकसित होंगे और उद्यमी प्रदेश में अग्रसर रहेगा हमारा मध्य प्रदेश। हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है माननीय नितिन गडकरी जी का। और जैसा कि हमारी एक और शाश्वत परंपरा, अतिथियों का आदर करना, सम्मान करना, कार्यक्रम में सबसे पहले मैं आग्रह करना चाहूँगी हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, साथ ही साथ एक बहुत ही सुंदर राम दरबार भेंट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, भगवान श्री राम आपके कण कण में समाए और हमारा मध्य प्रदेश राम राज्य बने, ऐसी उम्मीदों के साथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी नितिन गडकरी जी को बहुत ही सुंदर सा राम दरबार भेंट करें। जोरदार तालियों के साथ पूरे मध्य प्रदेश की ओर से हम स्वागत करें, अभिनंदन करें माननीय श्री नितिन गडकरी जी का। और माननीय नितिन गडकरी जी भी स्वागत करना चाहेंगे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का पुष्प गुच्छ के साथ। साथ ही साथ जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, जैसा कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का नाम है मोहन, मोहन की प्रतिमा भेंट कर माननीय नितिन गडकरी जी मोहन यादव जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ हम हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें, जिनके मन में मोहन बसे हैं और जिनके नाम से हम ज्ञात कर पाते हैं कि मोहन उनके रग रग में है। हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, आग्रह करना चाहेंगे श्री नवीन कुमार मुख्य महाप्रबंधक NHAI से कि वे डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करें। स्वागत के क्रम में आइए जोरदार तालियों के साथ यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत अभिनंदन। निवेदन श्री राकेश प्रकाश सिंह जी क्षेत्रीय अधिकारी भोपाल से कि वे हमारे बीच पधारे। श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रम मध्य प्रदेश शासन का पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री श्रवण कुमार सिंह जी से निवेदन है कि वे स्वागत करें माननीय मंत्री राकेश सिंह जी लोक निर्माण विभाग का पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट करें। आइए तालियों के साथ, निरंतर तालियों के साथ मंचासीन समस्त सम्मानीय अतिथिगणों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आग्रह श्री मोहन लाल पुरभिया जी परियोजना निदेशक उज्जैन से कि वे हमारे बीच पधारे। प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री RK गुप्ता जी से निवेदन कि वे स्वागत करें माननीय मंत्री खेल एवं युवा कल्याण सहकारिता मंत्री श्री विश्वास सारंग जी का। आइए तालियों के साथ स्वागत करें माननीय श्री विश्वास सारंग जी का, हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आपका। साथ ही आग्रह श्रीमती रिया राठौर जी उप महाप्रबंधक भोपाल से कि वे पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमती कृष्णा गौर जी का स्वागत करें,
निवेदन श्री सुमेश बांजल जी परियोजना निदेशक इंदौर से कि वे स्वागत करें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री नारायण सिंह पवार जी का। सुमेश बांजल जी से आग्रह है कि श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी कैबिनेट मिनिस्टर जी का भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। निवेदन श्री श्रवण कुमार सिंह जी से कि वे श्री लखन पटेल जी राज्य मंत्री पशुपालन एवं डेयरी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। पुष्प गुच्छ के साथ स्मृति चिन्ह भेज कर श्री लखन पटेल जी का स्वागत अभिनंदन। श्री श्रवण कुमार सिंह जी से पुनः निवेदन कि वे श्री दिलीप अहिरवार जी राज्य मंत्री वन पर्यावरण का पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करें, अभिनंदन करें। निवेदन श्री राकेश प्रकाश सिंह जी से कि वे स्वागत करें मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल राज्य मंत्री जी का। निवेदन सुमेश बांझल जी से कि वे निवेदन करेंगे श्री आर के गुप्ता जी से कि वे सांसद महोदय श्री रमाकांत भार्गव जी का स्वागत करें। आग्रह करेंगे श्री श्रवण कुमार सिंह जी से कि वे माननीय सांसद श्रीमती संध्या राय जी का स्वागत करें, पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर। सुमेश बांजल जी से निवेदन है कि सांसद महोदय श्री गुमान सिंह दामोर जी का स्वागत करें। सुमेश बांजल जी से निवेदन है श्री रामेश्वर शर्मा जी विधायक हुजूर का स्वागत करें। श्री सुमेश बांजल जी से आग्रह है कि वे विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथ ही हमारे बीच पधारे श्री दुर्गा दास जी सांसद महोदय का भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। श्री रमेश प्रसाद खटीक जी का भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। श्री चंद्रशेखर देशमुख जी विधायक का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे भोपाल की महापौर श्रीमती मालती राय जी का भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और अब कार्यक्रम की आरंभ बिंदु को स्पर्श करते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगी मध्य प्रदेश सरकार के ओजस्वी लोक निर्माण विभाग के मंत्री श्री राकेश सिंह जी से कि आप स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। आइए जोरदार तालियों के बीच हम आग्रह करें श्री राकेश सिंह जी से कि आप स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। बोलिए भारत माता की। अरे भाई बड़ा ऐतिहासिक दिन है, देश के यशस्वी मंत्री और वे जहां जाते हैं वहां सौगातों की झड़ियां लग जाती हैं, ऐसे माननीय नितिन गडकरी जी हमारे बीच में हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हम सभी के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है कि देश के यशस्वी भूतल परिवहन मंत्री एक ऐसे मंत्री जिनके विजन ने, जिनकी कार्यकुशलता और जिनकी क्षमता ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के उस स्वप्न को ये देश तेजी के साथ विकास के रास्ते पर न सिर्फ आगे बढ़े बल्कि नवनिर्माण के क्षेत्र में कीर्तिमान भी स्थापित करे। और उस स्वप्न के साकार दर्शन अगर कहीं करना है तो मध्य प्रदेश और देश की सड़कों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सड़कें ये साबित करती हैं कि इन सड़कों के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में न केवल आवागमन सुगम हो रहा है बल्कि उसके साथ साथ औद्योगिक क्रांति का भी सूत्रपात हो रहा है। मंच पे विराजमान है महाकाल के भक्त और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश जल कल्याण और विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है, ऐसे माननीय मोहन यादव जी। तालियों के साथ मैं चाहूंगा आप दोनों का अभिनंदन और स्वागत करें माननीय गडकरी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री
माननीय मोहन यादव जी का। मंच पे विराजमान है भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, मंचासीन माननीय प्रहलाद पटेल जी, माननीय विश्वास सारंग जी, माननीय नारायण सिंह कुशवाहा जी, माननीय श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय नारायण सिंह पवार जी, माननीय दिलीप अहिरवार जी, माननीय नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, माननीय लखन पटेल जी, ज्ञानेश्वर पाटिल जी, सांसद महोदय रमाकांत भार्गव जी, रूडमल नागर जी, श्रीमती संध्या राय जी, गुमान सिंह डामोर जी, दुर्गा दास जी, विधायकगण सम्मानी सुरेन जी, रामेश्वर शर्मा जी, विष्णु खत्री जी, भगवान दास सबनानी जी, दिनेश गुर्जर जी, श्रीमती सरला विजेंद्र रावत जी, आरिफ अकील जी, श्रीमती झूमा डॉक्टर ध्यान सिंह सोलंकी जी, नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, श्री बाबू जंडेल जी, श्रीमती सेना महेश पटेल जी, श्री प्रीतम लोधी जी, श्री रमेश प्रसाद खटीक जी, श्रीमती मालती राय जी, श्रीमती रामकुमार गुर्जर जी और मंचासीन सभी हमारे वरिष्ठजन पदाधिकारीगण, और विशेष रूप से जिनका मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि वर्चुअली हमारे साथ जुड़े पूर्व कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सम्मानी नरेंद्र सिंह तोमर जी, उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज हमारे लिए बहुत विशेष अवसर है। आज लोक निर्माण विभाग की 15 परियोजनाओं का शिलान्यास होने जा रहा है, जिनमें 498 किलोमीटर लंबाई की सड़कें हैं और जिनमें लगभग 8038 करोड़ रुपए की लागत है। भारत सरकार की इन परियोजनाओं के पूर्ण होने के साथ ही मध्य प्रदेश आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास में निश्चित रूप से तीव्रता को प्राप्त करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य रखा है, उसमें सड़कों का निर्माण एक सबसे महत्वपूर्ण मापदंड है। और हमें खुशी है कि हमेशा की तरह आज भी माननीय गडकरी जी मध्य प्रदेश को ऐसी बड़ी सौगातें देने के लिए आए हैं, जिनके कारण मध्य प्रदेश के विकास को नई गति और नई ऊर्जा मिलने जा रही है। माननीय गडकरी जी के द्वारा 2014 के बाद लगभग 4000 किलोमीटर के नवीन राष्ट्रीय राजमार्गों की सौगात मध्य प्रदेश को दी गई, जिनके उन्नयन और निर्माण की योजना बनाकर मध्य प्रदेश सरकार भी पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। पिछले 3 सालों में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए लगभग 35,000 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें से प्रदेश सरकार के द्वारा लगभग 23,300 करोड़ रुपए की राशि व्यय करके तेजी के साथ निर्माण कार्यों को किया जा रहा है और शेष कार्य भी प्रक्रियाधीन है। CRF योजना के अंतर्गत पिछले 3 सालों में लगभग 4,397 करोड़ रुपए के कार्यों को स्वीकृति दी गई है, जिसमें से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लगभग 1700 करोड़ रुपए की राशि व्यय करके विकास कार्य तीव्रता से किए जा रहे हैं। 2022-23 में 2,333 करोड़ रुपए लागत के 26 कार्य, इन्हें भी स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि महाकाल के भक्त हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में इन सभी परियोजनाओं के साथ साथ दूरगामी योजनाओं को लेकर मध्य प्रदेश विकास के रास्ते पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां गरीब कल्याण और नागरिक सुविधाओं के साथ ही शहरों के विकास और आधुनिकता के नए मापदंड भी स्थापित हो रहे हैं। लोक निर्माण विभाग प्रदेश के विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है और माननीय गडकरी जी के नेतृत्व में हमारा ये प्रयास है कि मध्य प्रदेश में गुणवत्ता के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता ना हो और जो समय सीमा है उसके पहले ये कार्य पूर्ण किए जाएं। आगामी 100 दिनों की जो कार्य योजना हमने बनाई है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उसमें इन बिंदुओं को, इन विषयों को शामिल किया है, ताकि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में सड़कें और निर्माण के कार्य गुणवत्ता के साथ साथ समय सीमा के भीतर पूरे हों। मैं लोक निर्माण विभाग का मंत्री होने के नाते
आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की धरती पर जहां जहां भी निर्माण के कार्य होंगे जो इस विभाग से संबंधित हैं, उनमें गुणवत्ता के मामले में किसी भी तरह का कोई समझौता ना होगा और साथ ही समय के पहले वे पूरे हों, इस दिशा में सरकार अपनी ओर से प्रयास करेगी। वैसे तो हमारा मध्य प्रदेश प्राकृतिक रूप से विभिन्न चुनौतियों से भरा हुआ है, लेकिन जब माननीय गडकरी जी का आशीर्वाद हमारे साथ है तब हम ये कह सकते हैं कि हम पहाड़ों में भी सुरंग बना सकते हैं, नहर के ऊपर और नहर के नीचे भी हम सड़कें बना सकते हैं और मध्य प्रदेश की धरती पर ये साबित करके हमने दिखाया है। लोक निर्माण से लोक कल्याण की यात्रा में जो भी चुनौतियां आएंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनका सामना करते हुए, उनको पार करते हुए तेजी के साथ विकास के रास्ते पर मध्य प्रदेश अग्रसर हो, ये हमारा प्रयास होगा। माननीय गडकरी जी का भोपाल की इस पवित्र धरती पर अभिनंदन और आभार के साथ मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि माननीय गडकरी जी का आगमन यानी विकास के कार्यों का ऐसा सूत्रपात इतिहास में जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है और माननीय गडकरी जी हमारे बीच में हैं, तो एक बार जरा जोरदार तालियों के साथ में उनका अभिनंदन और स्वागत करके हम अपने जो विकास कार्यों की सौगात यहाँ पर वो लेकर आए हैं उनके लिए उनको हम कृतज्ञता ज्ञापित करें। मैं अपनी ओर से लोक निर्माण विभाग का मंत्री होने के नाते पुनः आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो कार्य मध्य प्रदेश को आपके द्वारा सौंपे जाएंगे गुणवत्ता के साथ साथ समय सीमा के भीतर वो पूरे हों, इस पर हमारा जोर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री राकेश सिंह जी, आपने बिल्कुल सही कहा, विकसित भारत की पहचान है राष्ट्रीय राजमार्ग। और अब हम हमारे ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष श्री वी डी शर्मा जी से आग्रह करना चाहेंगे कि वे हम सभी को संबोधित करें। आइए जोरदार तालियों के साथ हम निवेदन करें हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वी डी शर्मा जी से उद्बोधन के लिए। आज भोपाल में सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देश के हमारे सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में जो लगातार इस क्षेत्र में जो विकास हो रहा है, ऐसे इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय नितिन जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री आदरणीय राकेश सिंह जी, आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, मुझे तो लगता है लंबी सूची है इसलिए मैं विश्वास सारंग जी, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में विकसित मध्य प्रदेश अब स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनने की कल्पना के साथ हम मैदान में उतरे, ऐसे आदरणीय मोहन यादव जी और सभी सम्मानी मंच। आज अभी माननीय नितिन जी ने जबलपुर के अंदर कई सौगातें इस क्षेत्र में आज दी हैं और आज इस क्षेत्र के अंदर मध्य भारत मालवा के क्षेत्र के आज यहां पर कई सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा आदरणीय नितिन जी के नेतृत्व में आज यहां पर उन सौगातों को देने का काम भी माननीय नितिन जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आज हम सब लोगों को यहाँ पर वो सौगातें देने जा रहे हैं। भारत के इतिहास में सड़क के क्षेत्र में किस सड़कों के माध्यम से डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है, टूरिज्म कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये अगर इस देश के अंदर स्थापित किया है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय नितिन गडकरी जी ने इस काम को जमीन पर बखूबी करके दिखाया है, जिसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से की थी। उस समय भी नितिन जी ने इसमें महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाई थी। तो आज मध्य प्रदेश के अंदर कई प्रकार की सौगातें आज इस क्षेत्र में यहाँ पर मिली है। सभी सम्मानीय सांसद हैं, सभी सम्मानीय मंत्री हैं, सभी सम्मानीय हमारे विधायक हैं, जो लोग लगातार इस दिशा में अपने अपने क्षेत्र के अंदर हम सब लोग जो प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्तित्व ने कि जब कभी कोई काम हम लेकर के जाते हैं
तो उस काम को कैसे किया जा सकता है, समय से पूर्व में कैसे किया जा सकता है, जन प्रतिनिधि और जनता की इच्छाओं के अनुरूप अगर किसी ने बेहतर काम करने का प्रयास हमारे कैबिनेट के मंत्रिमंडल में, तो आदरणीय नितिन गडकरी जी लगातार इस दिशा में भूमिका निभा रहे हैं। मैं उन्हें इस बात के लिए बहुत बधाई और उनको धन्यवाद करता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश को उन्होंने व्यापक सौगातें मध्य प्रदेश के अंदर दी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वीडी शर्मा जी आपके उद्बोधन के लिए। और अब हम आग्रह करना चाहेंगे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से, साथ ही में आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर मोहन यादव जी से, कि वे सिंगल क्लिक द्वारा 8000 करोड़ की लागत से कुल 498 किलोमीटर की लंबाई की 15 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास करें। निवेदन माननीय श्री नितिन गडकरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सिंगल क्लिक से। राजा भूपाल शाह सलाह और महाप्रतापी राजा भोजपाल ने समय समय पर जिस भोपाल शहर को बसाया, उसकी पहचान बाद में झीलों के शहर के रूप में विकसित हुई। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के प्रयासों के कारण अब इसे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर वाले राजमार्गों के लिए जाना जाएगा। मध्य प्रदेश में राजमार्गों के निर्माण का बजट 1.5 लाख करोड़ रुपए सुनिश्चित किया गया है। सड़क निर्माण का कार्य इतनी तेजी से हो रहा है कि 2014 में जहां मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 5184 किलोमीटर थी, वो 2024 में बढ़कर 9300 किलोमीटर हो गई है। अर्थात 10 सालों में राजमार्ग निर्माण दोगुना हो चुका है। इस दौरान 8 लेन सड़कों का निर्माण 244 किलोमीटर, 6 लेन सड़कों का 50 किलोमीटर, 4 लेन सड़कों का निर्माण करीब 4200 किलोमीटर और 2 लेन की 3500 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो चुका है। उसी कड़ी में भोपाल को 498 किलोमीटर लंबी 15 अलग अलग सड़कों की सौगात मिलने जा रही है। 8038 करोड़ रुपए की लागत से बन रही इन उच्च गुणवत्ता वाली सड़कों का भूमि पूजन माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के कर कमलों से होने जा रहा है। इन 15 सड़कों में से NH 146B पर बुधनी से शाहगंज बाईपास पर 28 किलोमीटर से भी लंबी 4 लेन रोड का निर्माण 805 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है। विदिशा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सीहोर और रायसेन जिले को जोड़ने वाली ये सड़क मध्य प्रदेश में 3 राजमार्गों NH 47, NH 46 और NH 45 के बीच संपर्क का माध्यम बनेगी। दूसरी तरफ रायसेन जिले में शाहगंज बाईपास एंड से बाड़ी तक 40 किलोमीटर से भी लंबी 4 लेन रोड का निर्माण 784 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। उसी तरह भोपाल जिले में ही NH 46 पर आश्रम तिराहा से NH 146 पर रत्नागिरी तिराहा तक
सिक्स लेन की करीब 16.5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण हो रहा है, जिसमें अयोध्या नगर बाईपास पर दोनों तरफ सर्विस लेन बनाने का भी प्रावधान है। इस उच्च गुणवत्ता वाली सड़क के निर्माण में करीब 1,235 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। इस स्ट्रेच के तैयार हो जाने से कानपुर से भोपाल आने वाले यात्रियों को जाम से मुक्ति मिलेगी, जिसके कारण भोपाल में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक का यातायात बेहद सुगम हो जाएगा। इन तीन सड़कों के भूमि पूजन के अलावा पूरे मध्य प्रदेश में उच्च गुणवत्ता वाली सड़कों पर काम बहुत रफ्तार से चल रहा है। इस दिशा में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार 5,210 करोड़ रुपए की लागत से करीब 413 किलोमीटर लंबाई में अलग अलग सड़कों का निर्माण, पुनर्निर्माण और उनके चौड़ीकरण के काम कर रहा है। इनमें पेव्ड शोल्डर के साथ टू लेन सड़क बनाने का काम NH 552 एक्सटेंशन पर मुरैना, अंबा और कोरसा बाईपास, श्योपुर गोरस मार्ग, गोरस श्यामपुर मार्ग और श्यामपुर सबलगढ़ पर चालू होने जा रहा है। इसी तरह NH 347C पर सर्वर देवला से पाल तक और कसरावद, सेलानी, खरगोन एवं बिस्तान बाईपास पर सड़क उन्नयन का कार्य भी प्रगति पर है। NH 346 पर पिछोर दिनारा, NH 56 पर दाहोद अंबुआ और NH 347A पर मुलताई से मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमा तक टू लेन का सड़क निर्माण कार्य शामिल है। इसके अलावा इंदौर में रिंग रोड बनने जा रहा है, तो अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रगति रत कार्य जैसे उज्जैन गरोड़ ग्रीन फील्ड कॉरिडोर, उज्जैन बदनावर मार्ग, इंदौर खंडवा मार्ग, इंदौर से हरदा होते हुए बैतूल मार्ग अपनी समय सीमा के अंतर्गत संपूर्ण होने जा रहे हैं। माननीय मंत्री श्री गडकरी जी और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के प्रयासों से मध्य प्रदेश में जिस तरह मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम चल रहा है, उससे मध्य प्रदेश नए इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल हब के रूप में विकसित होने जा रहा है। धन्यवाद माननीय श्री नितिन गडकरी जी आपकी अनूठी सौगातों के लिए और इन राष्ट्रीय राजमार्गों से मध्य प्रदेश के विकास को और रफ्तार मिलेगी। और अब हम वर्चुअली जुड़ने जा रहे हैं माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से, आग्रह करते हैं उद्बोधन के लिए। निवेदन माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से उद्बोधन के लिए। आज के इस शुभ अवसर पर हम सबके मध्य उपस्थित भारत सरकार के बहुत ही वरिष्ठ मंत्री और हम लोगों के मार्गदर्शक माननीय श्री नितिन गडकरी जी, हमारे मध्य प्रदेश राज्य के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, राज्य सरकार के लोक निर्माण मंत्री माननीय श्री राकेश सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और उपस्थित सभी मित्रों, आज मध्य प्रदेश के लिए निश्चित रूप से सौभाग्य का क्षण है जब माननीय नितिन गडकरी जी की उपस्थिति हम सबके मध्य है। और हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि संपूर्ण देश में सड़क के मामले में देश की तस्वीर बदलने का अगर श्रेय किसी एक व्यक्ति को दिया जा सकता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नितिन गडकरी जी को दिया जा सकता है। आज पूरे देश में विश्व स्तरीय सड़क का अधोसंरचना जो विकसित हुई है उसकी जितनी तारीफ की जाए मैं समझता हूँ कमी है। हमें एक सड़क मिलती है तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है, लेकिन नितिन जी ने सिर्फ एक सड़क नहीं दी, देश को चारों कोनों से जोड़ने का काम, चारों धाम को जोड़ने का काम, बड़ी बड़ी टनल बनाने का काम जो किया है
उससे निश्चित रूप से देश की ताकत बढ़ी है। हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि 2047 में विकसित भारत बने, और इसके लिए जो यात्रा चल रही है उस यात्रा को आगे बढ़ाने में माननीय नितिन गडकरी जी का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने अभी अभी काम प्रारंभ किया है, वो बहुत लोकप्रिय हैं, यशस्वी हैं, कर्मठ हैं, संघर्षशील हैं और उनका दृष्टिकोण भी बड़ा व्यापक है, और लगातार कम दिनों में उन्होंने कोशिश की है कि मध्य प्रदेश को एक नई दिशा दी जाए, और मुझे पूरा विश्वास है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, चाहे कल्चर एक्टिविटीज का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, हर क्षेत्र में मोहन यादव जी की सरकार आगे कदम बढ़ा रही है। आज का यह कार्यक्रम लोक निर्माण मंत्रालय का है, राकेश सिंह जी के हाथों में मैं समझता हूं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वो भी ठीक प्रकार से अपना दायित्व निभाने में सफल होंगे। मैं पुनः इस मौके पर माननीय नितिन गडकरी जी का और मोहन यादव जी का आज पूरे मध्य प्रदेश में जो 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात मिली है उसके लिए बहुत अभिनंदन करता हूं, और विशेष रूप से हमारा ग्वालियर अंचल जिसमें श्योपुर से गोरस, गोरस से श्यामपुर, मुरैना अम्बा पोरसा बाईपास, श्यामपुर से सबलगढ़ मार्ग और भेंड अटेर बाईपास मार्ग, इन पर भी जो लंबे समय से प्रयास चल रहा था इनको स्वीकृत करके आज शिलान्यास हो रहा है। मैं अपने दोनों नेताओं का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और इस क्षेत्र की जनता जनार्दन को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी आपके उद्बोधन के लिए, और ये हमारे लिए शुभ अवसर है कि आज वर्चुअली हमसे जुड़े हैं माननीय नागरिक विमानन एवं इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। आपसे आग्रह है संबोधन के लिए। आज हमारे मध्य प्रदेश में उपस्थित, मध्य प्रदेश के केवल नहीं लेकिन पूरे देश में हमारे प्रसिद्ध और सभी के दिलों पर स्थान पाने वाले हमारे भूतल पर्यावरण मंत्रालय के नेतृत्व करते हुए हमारे नितिन गडकरी साहब, हमारे प्रदेश के यशस्वी एवं लोकप्रिय एवं कर्मठ और एक नया दिशा दिखाने वाले हमारे मुख्यमंत्री महोदय, जिनका एक अपनापन और एक आत्मीयता का लगाव स्वतः मेरा है, हमारे अपने मोहन यादव जी, मंच पर आसीन हमारे राकेश सिंह जी, हमारे विश्वास सारंग जी, हमारे विष्णुदत्त शर्मा जी और सभी उपस्थित महानुभव और उस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त उपस्थित जनता जनार्दन, आज मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, और यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि गडकरी साहब जब आते हैं तो खाली हाथ कभी नहीं आते हैं, यह शब्द उनके लिए उपयुक्त रूप से निर्भर नहीं करती, लेकिन पूरा झोली भर के लेके आते हैं और पूरे मध्य प्रदेश की जनता के लिए एक एक जिले को मानते हुए विकास और प्रगति की नई दिशा और नया अंबार लेके सदैव आते हैं। ऐसे हमारे गडकरी साहब को मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से तय दिल से तालियों के साथ हम लोग स्वागत करें। आज
एक महत्वपूर्ण दिवस इसलिए भी है कि जहां केंद्र में हमारी सरकार 10 वर्ष पूर्ण कर रही है, वहीं मध्य प्रदेश में हमारी सरकार करीब करीब 20 वर्ष पूर्ण कर रही है। और जो एक विकास और प्रगति की गति का पहिया पूर्ण रूप से स्थिर हो चुका था कांग्रेस के शासनकाल में, भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत मशक्कत के साथ, एक एक कार्यकर्ता ने, एक एक नागरिक ने सरकार के साथ मिलकर एक नया शिखर पर हमारे मध्य प्रदेश को पहुंचाने का कार्य किया है। हमारे जहां तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और गडकरी साहब का परिवहन मंत्रालय है, जो एक नई दिशा और इतिहास केवल मध्य प्रदेश में नहीं लेकिन पूरे देश में एक चमत्कार, अगर मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, 9,60,000 करोड़ रुपए के कार्य पिछले 10 वर्षों में और करीब करीब 74,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे के निर्माण पिछले 9 वर्षों में उनके नेतृत्व में संभव हो पाया है। और ये केवल इसलिए क्योंकि अगर असंभव कार्य को संभव करवाना है तो गडकरी साहब के पास जाना, और उनमें वो क्षमता है असंभव कार्य को संभव कराने का। 1950 से लेकर 2014 तक 54 सालों में हमारे देश में केवल 90,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे थे, और इन 10 वर्षों में जहां 90,000 किलोमीटर के हाईवे थे, इन 10 वर्षों में 45,000 किलोमीटर के हाईवे हमने बनाए, मतलब 2.5 गुना प्रतिवर्ष ज्यादा। ये रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गडकरी साहब के नेतृत्व में संभव हो पाया है। और ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, एक होता है कि क्वांटिटी हमारी सड़कों की बढ़ गई, लेकिन क्वांटिटी के साथ गडकरी साहब की पैनी नजर होती है क्वालिटी पे भी। तो क्वांटिटेटिव परिवर्तन आया है और क्वांटिटेटिव परिवर्तन के साथ क्वालिटेटिव परिवर्तन भी आया है। भगवान महाकाल का आशीर्वाद हमारे मध्य प्रदेश पर सदैव रहा है। और आप अगर देखो, अगर उत्तर से पश्चिम जाना हो, पूर्व से पश्चिम जाना हो, पश्चिम से दक्षिण जाना हो, चाहे गडकरी साहब और हमारे महाराष्ट्र की हम बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे गुजरात की बात करें, एक एक निवासी को मध्य प्रदेश से ही होकर जाना पड़ता है। और आज एक ऐतिहासिक दिन इसलिए क्योंकि कहां, जहां जबलपुर में 2000 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन हुआ है और करीब 300 करोड़ रुपए के कार्य का लोकार्पण हुआ है, वहीं भोपाल के इस कार्यक्रम में 8000 करोड़ रुपए का भूमि पूजन मुख्यमंत्री जी के द्वारा और गडकरी साहब के द्वारा और राकेश सिंह जी, विष्णुदत्त शर्मा जी और विश्वास सारंग जी के द्वारा किया जा रहा है। मतलब मध्य प्रदेश को एक ही दिन पर मुख्यमंत्री जी और गडकरी साहब के द्वारा 10,000 करोड़ रुपए की सौगात दी जा रही। आज एक ऐतिहासिक दिवस है और इस ऐतिहासिक दिवस पर सभी को मैं दिल के गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं। और मध्य प्रदेश का इतिहास अगर हम देखें तो जिस मध्य प्रदेश में केवल 44,000 किलोमीटर की सड़कें थी, पिछले 15-18 वर्षों में 5 गुना बढ़ाकर आज 5,00,000 किलोमीटर, 10 गुना बढ़ाकर 5,00,000 किलोमीटर की सड़कें मध्य प्रदेश में, जिस मध्य प्रदेश में केवल 5,000 मेगावाट की बिजली की क्षमता थी, भारतीय जनता पार्टी ने उसे बढ़ाकर 25,000 मेगावाट कर दिया। और सिंचाई की क्षमता में केवल 7,00,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित थी, आज 45,00,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित। तो मध्य प्रदेश उभर रहा है, राष्ट्र पटल पर उभर रहा है, जिस तरीके से राष्ट्र का दिल है उसी तरह से विकास और प्रगति के रास्ते पे चल रहा है। और मोहन यादव जी ने इसे नई तीव्र गति
पिछले 1.5-2 महीने में देने का एक संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिनके लिए जिसके लिए भी मैं उनको दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। हमारे इस आज के दिवस पर जैसे अभी नरेंद्र सिंह जी ने कहा, वैसे तो गडकरी साहब जब आते हैं एक एक संभाग के लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं, और आज भी उनके गुलदस्ते में एक तरीके का फूल नहीं है। जबलपुर संभाग के लिए कुछ है तो मालवा के लिए कुछ है, मालवा के लिए कुछ है तो बुंदेलखंड के लिए कुछ है, बुंदेलखंड के लिए कुछ है तो भोपाल संभाग के लिए कुछ है, और भोपाल संभाग के लिए कुछ है तो ग्वालियर चंबल संभाग के लिए भी बहुत कुछ है। और अभी नरेंद्र सिंह जी ने कहा पर अयोध्या बाईपास से 6 लेन का चौड़ीकरण, 1240 करोड़ मुरैना अंबा और पोरसा का बाईपास, 2 लेन का सड़क निर्माण, 500 करोड़ का राजस्थान सीमा श्योपुर गोरस, ये एक बहुत आदिवासी इलाका है, यहाँ 500 करोड़ रुपए का कार्य, अटेर और भिंड का 2 लेन का हमारा सड़क 350 करोड़ का, श्योपुर से सबलगढ़ जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग ग्वालियर से सबलगढ़ से श्योपुर से कोटा तक ब्रॉड गेज का लाइन का पूर्ण कार्य कर रहे हैं और ये तीव्र गति से चल रहा है। वहीं आज गडकरी साहब ने हमारे सबलगढ़ और श्यामपुर को जोड़ने का कार्य भी आज उसी के तहत 1800 करोड़ रुपए के कार्य से किया है, और पिछोर से दिनारा मार्ग शिवपुरी जिले का पूर्ण चौड़ीकरण 425 करोड़ का भी किया है। तो आज के दिवस पर मैं गडकरी साहब को अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, और हमारे क्षेत्र की जनता को यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनका जो एक सपना नहीं है, उनका संकल्प है कि एक भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना होगा, विकसित भारत के रूप में स्थापित करना होगा, और इसमें गडकरी साहब का आशीर्वाद, मोहन यादव जी का नेतृत्व, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा मध्य प्रदेश चौगुना विकास करेगा और उस तीव्र गति से आगे बढ़कर राष्ट्र पटल पर अपना नाम और पहचान जरूर बना पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नागरिक विमानन एवं इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आपके उद्बोधन के लिए। आज मध्य प्रदेश समृद्ध प्रदेश के रूप में आगे बढ़ रहा है। अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार से जन जन का जीवन संवर रहा है। हम आमंत्रित करना चाहेंगे प्रदेश के हित के लिए समर्पित, जो अपने संस्कारों और परंपराओं के समागम के साथ मध्य प्रदेश की बागडोर को आगे लेकर जा रहे हैं। हमारे प्रदेश के ऐसे मुखिया, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को उद्बोधन के लिए आई जोरदार तालियों के साथ महाकाल के परम भक्त हमारे प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से आग्रह करें उद्बोधन के लिए। मेरे साथ सभी जोर से बोलेंगे भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच एक तरह से 10,000 करोड़ के काम कोई मामूली बात नहीं होती, और बहुत सहजता के साथ हमारे लिए दिन भर से विकास के मामले में और नए नए आइडिया, जितनी बार बैठो जितनी बार बात करो, माननीय नितिन जी गडकरी जोरदार अभिनंदन करें हमारे भारत सरकार के सबसे लोकप्रिय मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी का। आज के इस अवसर पर हमारे बीच में वर्चुअल रूप से जुड़े हुए मध्य प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, समादरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो भारत सरकार के लोकप्रिय और एक के बाद एक सौगात दिए जा रहे हैं, अभी ग्वालियर से परसों फिर ग्वालियर से अहमदाबाद की एक नई फ्लाइट की शुभारंभ परसों होने वाला। मैं सौभाग्यशाली हूँ एक साथ सरकार बनने के बाद कितने प्रकार से कामों की सौगात मिलती जा रही है वो तो बताएं। कल ही हमने अपने बीच में माननीय बी डी शर्मा जी, हमारे माननीय अध्यक्ष जी और सम्मानी मंच, समय की कमी है प्रहलाद जी ने इशारा कर दिया, जोरदार तालियां बजाएं सारे के सारे मंचस्थ अतिथियों के लिए। हमने आज का दिन तो ये कई मायनों में अलग हटके है,
हजारों साल से मध्य प्रदेश देश का प्रदेश होने के मध्य में होने के कारण से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जहां कहीं भी किसी को भी आना जाना पड़ता था तो सदैव उसका मार्ग मध्य प्रदेश के ही मार्गों से निकलता था, लेकिन काल के प्रवाह में बाद में अलग अलग संसाधन चले, उसके कारण से हमारी अपनी भूमिका फर्क पड़ गई और उसका परिणाम यह आया कि कई सारी संभावना जो हमारे यहाँ थी आज़ादी के बाद से, जो अभी आंकड़ा बताया कि लगभग 5000 किलोमीटर का जो हमारा 70 साल का रिकॉर्ड था और अभी आज लगभग 10.25 साल हुए हम, और ऐसे में वापस ये 5000 किलोमीटर का नया मार्ग बनाना ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में खास करके ये कौन सा क्षेत्र छूटा है, अभी हाल पूर्व में भी भाषण में सभी में आया, गुजरात से जाने वाले मार्ग हो उसी का भी भूमि पूजन हम कर रहे हैं, इसी के साथ साथ निमाड़ का, निमाड़ से खरगोन के रास्ते से महाराष्ट्र जाने के वो मार्ग का भी हमारे इसी कार्यक्रम से उसका भूमि पूजन लोकार्पण, समय की कमी है, अन्यथा हमारे लगभग 17 जिले इससे लाभान्वित हो रहे हैं, 17 जिलों के अंदर अलग अलग प्रकार से, और खास करके चंबल का बेल्ट, मालवा का बेल्ट, ये तो इसके अंदर जितने राजमार्ग है और अपने नगर के किनारे बसे हुए मार्ग है, जैसे मुरैना हो, भिंड हो या ऐसे कई ब्यावरा हो, सबके बाईपास मार्ग बनाने का काम इसी के साथ हो रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से हमारी अपनी अलग अलग प्रकार के विभागों की गति चल रही है, आवागमन के माध्यम से सबसे बड़ी भूमिका यही रहती है, अगर राजमार्ग बनते हैं तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर हमारी अपनी क्षेत्र की विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ बहुत तेजी से बढ़ाई जा सकती है, खास करके औद्योगिक गतिविधियाँ, और खासकर हमारा अपना प्रदेश तो कृषि विकास दर में यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में एक नई ऊंचाइयों पर गया था, अब उसको और आगे ले जाने के लिए इसी प्रकार के मार्गों की आवश्यकता है। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो जिस प्रकार से काम किए थे, हम सब जानते हैं कि विकास के मामले में पूरा मंच हम सब मिलकर के इकट्ठा होकर के, और आज जो नया एक नई इबारत लिख रहे हैं, एक तो खास करके राजमार्ग की बात आती, लेकिन जब माननीय गडकरी जी का भाषण आएगा तो अभी वो बताएंगे कि हमारे यहाँ केवल राजमार्ग मतलब सड़क मार्ग की बात मत करो, अब जल मार्ग की बात भी करिए, जल मार्ग के माध्यम से भी बहुत बड़े पैमाने पर यातायात की संभावना होगी, और जल भी नहीं थल भी नहीं, अब वो वायु मार्ग की बात भी करते हैं कि रोप वे और केबल कार, और केबल कार में भी वो 4 या 6 की नहीं 50-50 यात्री बैठ जाए उनको भी ले जा सकते हैं। अभी तक मैं सुन ही रहा था, भाई साहब कह रहे थे कि क्या ऐसा हो सकता है कि भोपाल के बड़े तालाब के ऊपर से पूरी की पूरी केबल कार निकाल दो, और आज के जमाने में बोले कठिन काम भी नहीं है, जिस प्रकार की कल्पना है वो हमको लगता है कि कई बार असंभव तो नहीं है, लेकिन वो उनके रहते रहते कोई असंभव नहीं है। इथेनॉल से, मिथेनॉल से, विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन से, खास करके हाइड्रोजन से जो जिस प्रकार के वाहन व्हीकल चलाए जा रहे हैं, और जो जो भविष्य की संभावना है कि हमारे पास अपने संसाधन को बचाते हुए अब विद्युत वाले वाहन, क्या कोई कल्पना कर सकता था कि हमारी बसें, इलेक्ट्रिक बसें सड़क पर आ जाए और कार सड़क पर आ जाए, लेकिन ये हमारे भविष्य की दृष्टि से भारत के संसाधन के लिए, खास करके पेट्रोल डीजल को लेकर के भारत की जो विदेशों पर निर्भरता है उसके बजाय ये हमारी जो वैकल्पिक मार्ग की जो व्यवस्था है, ये वैकल्पिक जो वर्तमान की शोध हुई है उन शोध का लाभ लेते हुए जितने भी प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, मैं आपको आश्वासन देना चाहूँगा यशस्वी माननीय गडकरी जी आपके नेतृत्व में और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम जितने भी प्रकार के आप बाकी विभागों के लिए भी तालमेल करते हुए प्रत्येक क्षेत्र में आप मार्गदर्शन करें, मध्यप्रदेश सरकार आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेगी। और आज के इस अवसर पर मुरैना, अंबा, पोरसा नगरी क्षेत्र के 492 करोड़ के राष्ट्रीय राजमार्ग के इस काम की आज हमने जो शिलान्यास किया है, इसकी मैं क्षेत्रवासियों को बधाई देना चाहूँगा। 483 करोड़ की लागत से राजस्थान बॉर्डर से श्योपुर पोरस तक का जो नया निर्माण कार्य का भूमि पूजन हो रहा है, इसकी भी मैं क्षेत्र के स्थानीय रहवासियों को बधाई देना चाहूँगा। हमारी अटेर भिंड 348 करोड़ की लागत से जो भी है वो 200-300 करोड़ से सब ऊपर ऊपर की निर्माण कार्य है, ऐसा लग रहा है कि वाकई परमात्मा की कृपा है। 417 करोड़ की लागत से गोरख श्यामपुर खंड, इसी प्रकार से 1079 करोड़ की लागत से श्यामपुर सबलपन खंड,
इसके नए निर्माण के आज भूमि पूजन हुआ है। 120 करोड़ की लागत से ब्यावरा बाईपास का, जिसका मैंने जिक्र थोड़ी देर पहले किया है, इसका आज भूमि पूजन हुआ है। 214 करोड़ की लागत से सुजालपुर बाईपास खंड, ये हमारा बहुत महत्व का मार्ग है, इससे इसकी बड़ी सौगात मिलेगी। 329 करोड़ की लागत से मुलताई, और ये खास करके मध्य प्रदेश महाराष्ट्र को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है, इसका लाभ हमारे मध्य प्रदेश को मिलेगा और साथ में देशवासियों को भी मिलेगा, महाराष्ट्र को मिलेगा। इसी प्रकार से कसरावत सैलानी खरगोन बिस्टान बाईपास मार्ग के 468 करोड़ के विभिन्न प्रकार के कामों का आज भूमि पूजन हो रहा है। 461 करोड़ की लागत से सरवर देवता से देवला से पाल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा का ये क्षेत्र है, इसका लाभ हमको मिलने वाला है। इसी प्रकार से पिछोर से दिनारा खंड के 426 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग का ये नया आज भूमि पूजन हम करने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ 370 करोड़ की लागत से गुजरात सीमा दाहोद से अंबुआ तक का नया निर्माण का आज भूमि पूजन यहाँ इस समय हो रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से बुधनी खंड शाहगंज खंड और भोपाल के अंदर का बाईपास जो सिंधिया चौराहे से लगा करके रत्नागिरी तिराहे तक अयोध्या बाईपास का खंड का 6 लेन का जो नया काम जो 1239 करोड़ की लागत से पूरा नगर का हमारा नेतृत्व यहाँ बैठा है, मेरी अपनी ओर से इस नए निर्माण कार्य की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी आपके ओजस्वी वचनों के लिए। समृद्ध प्रदेश की पहचान होती है सशक्त सड़कें, जिससे सशक्त समाज बनता है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वप्न विकसित भारत की परिकल्पना के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आग्रह करना चाहेंगे, जिनके योगदान से पूरे भारतवर्ष में सशक्त राजमार्गों का निर्माण हो रहा है, ऐसे राजमार्ग पुरुष जिन्हें हाईवे किंग के नाम से भी जाना जाता है। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री नितिन गडकरी जी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी से निवेदन है कि आप हम सभी को अपने प्रेरणा वचनों से अभिभूत करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत है माननीय नितिन गडकरी जी का। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, भारत सरकार में मेरे सहयोगी आदरणीय मंत्री ज्योतिराज सिंधे जी, सभापति विधानसभा के नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे प्रदेश से अध्यक्ष और मेरे संसद के सहयोगी विष्णु शर्मा जी, आदरणीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी, राकेश सिंह जी, विश्वास सारंग जी, नारायण कुशवाहा जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी, नारायण पवार जी, दिलीप अहिरवार जी, नरेंद्र पटेल जी, लखन पटेल जी, संसद में मेरे सभी सहयोगी आदरणीय ज्ञानेश्वर पाटिल, रमाकांत भार्गव, श्रीयादी प्रज्ञा ठाकुर जी, श्री रोडमल नागर जी, श्रीमती संध्या राय जी, गुमान सिंह दामोर जी, दुर्गादास जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मध्य प्रदेश की तस्वीर बहुत बदल रही है। मैं नागपुर से हूँ और लोग ये बड़े मजाक में कहते थे कि मध्य प्रदेश के लोग कहते थे कि नागपुर के हवाई अड्डे पर उतरने के बाद जब हम छिंदवाड़ा की तरफ जाते हैं, मध्य प्रदेश की तरफ जाते हैं, तो नागपुर के रोड पर नींद लग जाती थी और जब नींद खुल जाती थी तो समझ लेना मध्य प्रदेश आ गया है। इस प्रकार की परिस्थिति मध्य प्रदेश में थी, पर आज मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश का नेशनल हाईवे का रोड नेटवर्क काफ़ी अच्छा हो रहा है। हम करीब 3 लाख करोड़ रुपए के 2024 समाप्त होने तक कार्य पूरे करेंगे, शुरू करेंगे या समाप्त करेंगे, और इसलिए विश्वास है कि मैं आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 2024 जब समाप्त होगा तो मध्य प्रदेश का नेशनल हाईवे का रोड नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा, ये मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ। अगर रोड अच्छे बनेंगे तो उद्योग आएंगे, व्यापार आएगा, उद्योग व्यापार आएगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और उद्योगों के कारण अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी तो रोजगार निर्माण होगा, और रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी। मुझे बहुत खुशी है कि मध्य प्रदेश में आज काफ़ी बड़े प्रमाण पर यहाँ भूमि पूजन हो रहे हैं। मैं उसकी विस्तृत चर्चा नहीं करूँगा, जो होगा वो तो आप देखने वाले हैं, पर हमने इसके साथ साथ
मध्य प्रदेश में आज भी मैंने मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिया है कि जो रिंग रोड बन रहा है उसके बाजू में अगर वो सरकारी जगह हमको देते हैं तो लॉजिस्टिक पार्क, प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हम बनाने के लिए अपने पैसे से तैयार हैं। और इसलिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जहां भी इस प्रकार की संभावना है हमें जरूर प्रपोजल दीजिए। हम इंदौर और धार के बीच में औद्योगिक क्षेत्र पीतमपुर में 1,111 करोड़ रुपए की लागत से 255 एकड़ में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं। हमें अपॉइंटमेंट डेट वर्क ऑर्डर देना है, केवल अभी तक लैंड हमको ट्रांसफ़र हुई नहीं। मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वो लैंड अगर तुरंत हमको अलॉट हो जाएगी तो इसका काम हम तुरंत शुरू करेंगे। मालवा का आटा हो, जिसकी अरब देशों में खूब मांग है, आटे का बना पास्ता, दलिया, सूजी आबू धाबी, शारजा, दुबई में बहुत पसंद किया जाता है, इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा। मैं और एक बात उनको कहूँगा कि अब हम रोपवे केबल कार में काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 7,234 करोड़ की लागत से हमने 27 रोपवे का निर्माण करने का निर्णय किया है। उसमें आज जबलपुर में 2 का प्रेजेंटेशन भी हुआ, जल्दी उसका काम शुरू करेंगे। आज मुझे खुशी है कि उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर पर 171 करोड़ की लागत से करीब 2 किलोमीटर लंबे रोपवे का टेंडर फरवरी में निश्चित रूप से निकल जाएगा। ओंकारेश्वर में सिद्धरकुट जैन मंदिर से राजेश्वर आश्रम तक 320 करोड़ की लागत से एक लंबे रोपवे का भी हम अध्ययन कर रहे हैं। ओंकारेश्वर मंदिर से वाहन पार्किंग क्षेत्र से 37 करोड़ की लागत से 0.46 मीटर लंबे रोपवे की उसका भी हम अध्ययन कर रहे हैं। सागर जिले में टिक्टोरिया माता मंदिर, इसका भी टेंडर जल्दी निकल जाएगा। और विशेष रूप से ये लिस्ट मेरे पास लंबी है, पर मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कहूँगा कि ये भोपाल जो ये झीलों का शहर है, मैं जब शिपिंग मंत्री था तो मैंने एक योजना मुंबई में तैयार की थी, क्योंकि वो योजना ये थी कि नए मुंबई में नया एयरपोर्ट बन रहा है तो वाटर टैक्सी से पानी के ऊपर चाहे वसई विरार से लेकर डोंबिवली कल्याण तक कहीं से भी नए एयरपोर्ट पर केवल 17 मिनट के अंदर सब पहुंचेंगे और 10,000 वाटर टैक्सी शुरू होगी ताकि रोड से जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरा अनुरोध है कि ये झील के ऊपर रोपवे, केबल कार, स्काई बस चल सकती है। आप जरूर इसके बारे में प्रस्ताव भेजिए, निश्चित रूप से भारत सरकार की ओर से हम इसके लिए जरूर मदद करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो हम 27 प्रपोजल मध्य प्रदेश के हैं उनके सब के ऊपर हम काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द उसके टेंडर निकालेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम 50,000 करोड़ के ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे मध्य प्रदेश में बना रहे हैं। दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस हाईवे मध्य प्रदेश से गुजरता है। मैंने जब एक्सप्रेस हाईवे का निरीक्षण किया तो ये हाईवे पर ऐसी स्थिति है कि मुंबई से दिल्ली 12 घंटे में जाना संभव होगा और मध्य प्रदेश से 5-6 घंटे के अंदर मुंबई तक पहुंच जाएंगे और इसके कारण मध्य प्रदेश के उद्योग व्यापार में काफ़ी बड़ा फायदा होगा। ये जो एक्सप्रेस हाईवे है वो इसी साल दिसंबर तक हम पूरा करेंगे और मेरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में 245 किलोमीटर इसकी लेंथ है और करीब 20,000 करोड़ हम इसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं। दूसरा जो हाईवे है वो इंदौर से हैदराबाद का है, जो 18,000 करोड़ का है, जिसके ऊपर 687 किलोमीटर 6 लेन 4 लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण भी 2025 तक पूरा हो जाएगा। मध्य प्रदेश में 5,000 करोड़ की लागत से करीब 2,000 किलोमीटर हम बना रहे हैं। यह इंदौर से खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, इच्छापुर से जलगांव, नांदेड़ होते हुए हैदराबाद तक जाएगा और इंदौर से खंडवा के बीच 34 किलोमीटर मार्ग में 2 टनल, 3 वाइडक्ट का भी निर्माण हो रहा है और 2025 तक वो पूरा हो जाएगा। इस हाईवे बनाने से इंदौर से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में केवल 1 घंटे में जा सकेंगे, अभी फिलहाल इसमें काफ़ी देरी लगती है। बुरहानपुर से इंदौर जाने में अभी 5 घंटे लगते हैं, ये बनने के बाद केवल 2 घंटे में जाना होगा।
और इस एक्सप्रेस वे बनने से खंडवा से हैदराबाद जाने का करीब 7 घंटे समय बचेगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण ग्रीन हाईवे है वो विशेष रूप से उज्जैन से गरोट ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है, जो उज्जैन से मंदसौर जिले के गरोट तक 2700 करोड़ की लागत से 136 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है। और ये एक्सप्रेस वे उज्जैन देवास इंदौर को गरोट में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से जुड़ेगा और यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे भी दिसंबर 2023 तक हो जाएगा। अभी उज्जैन से कोटा जाने में 6 घंटे का समय लगता है, ये हाईवे बनने के बाद केवल 2.5 घंटे में कोटा पहुंच पाएंगे। मेरा विश्वास है कि ये हाईवे बनने से निश्चित रूप से बहुत फायदा होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण हाईवे है वो आगरा से ग्वालियर ग्रीनफील्ड हाईवे है, जो करीब 5000 करोड़ की लागत से हम 90 किलोमीटर ग्रीनफील्ड हाईवे का काम मार्च 2024 तक अवार्ड हो जाएगा। और ये हाईवे आगरा इनर रिंग रोड से आरंभ होकर धौलपुर मुरैना होकर ग्वालियर के ईस्टर्न रिंग रोड को जुड़ेगा। इस हाईवे में केहरी नदी, उत्तंगन नदी, चंबल और असन नदी सहित 8 स्थानों पर बहुत बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं और आगरा से ग्वालियर मौजूदा काफ़ी ट्रैफिक है। मुझे लगता है इससे डायरेक्ट आगरा जाने के बाद आगरा एक्सप्रेस हाईवे से दिल्ली जाना होगा तो ग्वालियर से दिल्ली 4 घंटे में होगा। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि एक चंबल एक्सप्रेस हाईवे की अलाइनमेंट हमने पक्की की थी, जिसका अटल एक्सप्रेस वे करके नाम दिया गया था शिवराज जी के समय, पर इस हाईवे में इन्वायरमेंट वालों ने कुछ अड़चनें लाई थी, बाद में जमीन के लिए बाकी जगह कुछ अड़चनें आई है। आप दिल्ली आइए, भूपेंद्र यादव जी के साथ बैठकर पुरानी अलाइनमेंट अगर हम निश्चित करेंगे तो जो गुड़गांव और नोएडा में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो पूरी इन्वेस्ट चंबल के क्षेत्र में आएगी और वहाँ के पिछड़े हुए लोगों को रोजगार मिलेगा। इस हाईवे के अलाइनमेंट के बारे में आपके तरफ से एक बार निर्णय होगा तो दिल्ली से आगरा 2 घंटे में और आगरा से ग्वालियर 2 घंटे में, वैसे 3.5 घंटे में दिल्ली हो जाएगी और दिल्ली से काफ़ी उद्योग यहाँ आएंगे तो इस क्षेत्र का भी विकास होगा। भोपाल से कानपुर तक करीब 12000 करोड़ की लागत से हम 440 किलोमीटर 6 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण कर रहे हैं। ये कॉरिडोर भोपाल से विदिशा सागर महोबा जिले के कबरई होकर कानपुर तक जाएगा। अभी भोपाल से कानपुर आने के लिए 15 घंटे लगते हैं, ये कॉरिडोर बनने से केवल 7 घंटे में हम पहुंच सकेंगे, जिसका बहुत बड़ा फायदा मध्य प्रदेश को होगा। ये कॉरिडोर बनने से भोपाल से कानपुर प्रयागराज वाराणसी तक अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी। सागर इसके साथ साथ भोपाल से सागर तक करीब 4000 करोड़ की लागत से हम 170 किलोमीटर 4 लेन मार्गों में 3 पैकेज का काम जुलाई 2024 तक अवार्ड हो जाएगा। पहला पैकेज भोपाल से मोरीकुड़ी तक 800 करोड़ की लागत से 40 किलोमीटर, दूसरा मोरीकुड़ी से विदिशा तक, तीसरा विदिशा से बेरखेड़ी तक। और मेरा विश्वास है कि ये 4000 करोड़ का हाईवे निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के विकास में उपयोगी होगा। सागर से कानपुर तक ये कॉरिडोर हम बना रहे, जो सागर से महोबा जिले से कवरई होकर कानपुर तक करीब 8000 करोड़ की लागत से 242 किलोमीटर 4 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर है। सागर से मोहारी, सागर जिले के मोहारी से सतईघाट, छतरपुर जिले से सतईघाट से चौका तक, चौका गांव से महोबा तक 4 पैकेजेस है। और मेरा विश्वास है कि ये भी 8000 करोड़ का हाईवे मध्य प्रदेश के लिए निश्चित रूप से उपयोगी होगा। मध्य प्रदेश में जो हाईवे निर्माण होंगे उसके कारण लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, इंडस्ट्री आएगी और रोजगार निर्माण होगा। सागर में ग्रीनफील्ड लिंक रोड का भी हम निर्माण कर रहे हैं, बेरखेड़ी NH 146 से गड़ेपेरा NH 934 550 करोड़ की लागत से ये लिंक रोड का काम भी 2024 तक पूरा होगा। मेरा विश्वास है कि ये लिंक रोड बनने से भोपाल से कानपुर तक 21 किलोमीटर की दूरी भी कम हो जाएगी। जो मध्य प्रदेश में विशेष रूप से एक प्रगतिशील समृद्ध संपन्न राज्य बनाना, ये मध्य प्रदेश की सरकार का और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का उद्दिष्ट है। आदरणीय शिवराज जी जब मुख्यमंत्री थे तो मध्य प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने भी काफ़ी पहल की और काफ़ी बदलाव लाया है। मेरा विश्वास है कि आदरणीय नए मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सुखी समृद्ध संपन्न और शक्तिशाली बने, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण हो
और मध्य प्रदेश देश के पहले 3 प्रगतिशील समृद्ध संपन्न राज्य में आए। इसलिए यादव जी के नेतृत्व में हम पूरी भारत सरकार की ओर से पूरी ताकत और शक्ति के साथ उनको सपोर्ट करेंगे, यह मैं विश्वास दिलाता हूं। और CRF में काफ़ी काम मंजूर हुए हैं, विशेष रूप से सेतु भारतम में भी काफ़ी रेलवे ओवरब्रिज अंडरब्रिज भी मंजूर हुए हैं। निश्चित रूप से यूटिलिटी सर्टिफिकेट आने के बाद और मंजूर करके मैं निश्चित रूप से देंगे। मैं फिर से एक बार आज मध्य प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री नितिन गडकरी जी। और निश्चित ही भारत वर्ष में विश्व स्तरीय रोड नेटवर्क स्थापित होगा आपके मार्गदर्शन में। और अब मैं आभार प्रस्तुतिकरण के लिए निवेदन करना चाहूंगी श्री SK सिंह जी RO भोपाल से। मैं NHAI की तरफ से और भारत सरकार की तरफ से माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं जो उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया। इसके अलावा माननीय श्री BD शर्मा साहब प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब एंड नरेंद्र सिंह तोमर साहब और अन्य भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मंत्रीगणों का दिल से आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि जो उन लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया। इसके अलावा मैं NHAI की तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कलेक्टर सर और कमिश्नर सर का भी दिल से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि जो उन्होंने हमें बहुत बड़ा सहयोग दिया इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में। इसके अलावा NHAI की टीम जो हमारी और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी, मंत्रालय के अधिकारियों का भी मैं दिल से आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम आज का संपन्न हुआ। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर।